नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 11 NCERT भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत बुक में से तीसरा चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूवैज्ञानिकों ने समय समय पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इसमें दो प्रकार के साधनों का सहारा लिया गया है। एक तो प्रत्यक्ष साधन, वे साधन हैं जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, जैसे वास्तविक पदार्थ, चट्टानें। इसके अतिरिक्त ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त लावा और विभिन्न प्रकार के पदार्थ, इनसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। और इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्रों से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन करके कुछ हद तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मालूम करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग को पूरी तरह से मालूम कर पाना इन प्रत्यक्ष साधनों से संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही चित्र उभारने के लिए भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के अंदर भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके, जिनको हम अप्रत्यक्ष साधन कहते हैं, उनका अध्ययन कर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जिसमें मुख्य रूप से पी और एस तरंगों की भूमिका मुख्य है। पी तरंगें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं, जबकि एस तरंगें केवल ठोस भाग से गुजर सकती हैं, द्रव्य भाग में ये तरंगें विस्थापित हो जाती हैं। इन्हीं तरंगों की प्रकृति के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट किया है। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटा है, तीन परतों में बांटा है। पहली परत का नाम भूपर पट्टी, दूसरी मेंटल, तीसरी क्रूड। तो इसकी पहली परत भूपर पट्टी का अध्ययन करते हैं। भूपर पट्टी, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि भूपर पट्टी की अधिकतम गहराई या मोटाई 100 किलोमीटर तक मापी आंकी गई है, लेकिन वास्तविक रूप से महाद्वीपीय भाग में भूपर पट्टी की मोटाई 30 से 35 किलोमीटर, महासागरीय तल में इसकी मोटाई केवल 5 किलोमीटर, जबकि पर्वतीय क्षेत्र में इसकी मोटाई 17 किलोमीटर तक आंकी गई है। भूपरपट्टी के बाद दूसरी परत मेंटल का विस्तार पाया जाता है, और इसी मेंटल में जो ऊपरी मेंटल है उसमें दुर्बलता मंडल की दुर्बलता मंडल पाया जाता है, जिसमें बताया गया है कि जो धरातल पर लावा का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो दुर्बलता मंडल ही है, क्योंकि जितने भी ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है, अन्य कारणों से लावा बाहर निकलता है, उसका मूल स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। इस दुर्बलता मंडल में ही मोहो असांतत्य क्षेत्र पाया जाता है, क्योंकि इस मोहो असांतत्य क्षेत्र की खोज मोहो नामक भूवैज्ञानिक ने की थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम मोहो असांतत्य क्षेत्र रखा गया, और इस विसंगति का कारण है क्योंकि यहाँ पर भूकंपी जो तरंगे हैं उनकी गति अचानक तीव्र हो जाती है, तो इसे हम मोह असांतत्य विसंगति के नाम से जानते हैं। तो दुर्बलता मंडल के समाप्त होते ही निचले मंडल का विस्तार जो है 2900 किलोमीटर तक पाया जाता है। ऊपरी मंडल और निचला मंडल दोनों मिला के धरातल से 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। इसके बाद शुरू होती है मेंटल की पृथ्वी की तीसरी परत, यानी कि तीसरा भाग, जिसे हम क्रोट के नाम से जानते हैं, जो कि अत्यधिक घनीभूत भाग है। इसके भी दो भाग हैं, 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक बाह्य क्रोट, जो कि द्रव अवस्था में है और जिसका घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि द्रव अवस्था में है।
अत्यधिक ताप और दाब के कारण इतनी गहराई पर इतना ताप एवं दाब है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ यहाँ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ पर सारा मेटीरियल जो है द्रव अवस्था में है। इसके बाद रूट का दूसरा भाग आंतरिक रूट 5,100 किलोमीटर से 6,378 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, जो कि ठोस अवस्था में है, जिसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक पाया जाता है। और इतना अधिक घनीभूत होने के कारण ही इस भाग में भाग को यह भाग काफी ठोस है, और पूरे क्रोड के कारण ही पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। आइए पाठ्यपुस्तक के आधार पर इन तीनों परतों का अध्ययन करते हैं। पहली परत भूपर्भट्टी, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है, जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्भट्टी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्भट्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे यह 30 किलोमीटर तक है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्भट्टी की मोटाई लगभग 17 किलोमीटर तक है। भूपर्भट्टी भारी चट्टानों से बना है और इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, यानी कि एक घन सेंटीमीटर में 3 ग्राम घनत्व पाया गया है। महासागरों के नीचे भूपर्भट्टी की चट्टानें बेसाल्ट निर्मित हैं। महासागरों के नीचे इसका घनत्व 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी की दूसरी परत मेंटल, भूगर्भ में पर्पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह असान तत्व से आरंभ होकर 2,900 किमी की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। दुर्बलता मंडल का विस्तार 400 किलोमीटर तक आका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है, उसका मुख्य स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। इसका घनत्व भूपर्भट्टी की चट्टानों से अधिक है, अर्थात 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से अधिक है। भूपर्भट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। स्थल मंडल की मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में है। पृथ्वी का अंतिम भाग क्रूट, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ये जो भूकंपी तरंगे हैं, इनके माध्यम से और इनके तीव्रता और इनकी प्रकृति के आधार पर पृथ्वी के क्रूट को समझने में काफी सहायता मिली है। क्रूट व मेंटल की सीमा 2,900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तथा केंद्र में 6,300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल व लोहे का बना है, जिसे शॉर्ट टर्म में हम नीफे परत के नाम से भी जानते हैं।